इस कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम, पहचान रहे हैं ना। आज जो है आप लोग को एक रिक्वायरमेंट्स अपडेट करवाने वाले हैं, जो कि निकला हुआ उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट 2020 जो निकाली गई, जिसका ऑनलाइन जो है 1 तारीख से होगा फ्रेंड्स। तो उसके बारे में हम सभी डिटेल से जो है आपको जानकारी देने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो में। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ। और जो है बिहार से जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है, जो मैं इसका प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो इस चैनल पर जाकर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, उसका जो है लिंक भी मैं दे दूंगा। तो आप जो है वहाँ से ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और भी जितना भी उसमें टॉपिक बनता है वो सब मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ फ्रेंड, तो जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन। हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है आपको हम एक रिक्वायरमेंट्स अपडेट करने वाले हैं, जो है उत्तर प्रदेश, है ना, ये जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है इसका विज्ञापन संख्या जो है 03/2020, और जो है ये जो है निकाली गई है UPPCL रिक्रूटमेंट, UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2020, है ना, यानी कि 2020 के वैकेंसी है फ्रेंड। तो इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें जो एग्ज़ाम फी क्या है, तो जो है और इसका जो है ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट होगा, तो सारे जो है अपडेट हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी अप्लीकेशन की। अप्लीकेशन बिगेंस, कब जो है इसका आवेदन शुरू होने वाला है, तो 1 तारीख 7वां महीना यानी कि 1 जुलाई से जो है इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा और 22 तारीख तक लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट, इसको जो है 22 तारीख तक भी जो है मानी 22 जुलाई तक इसका ऑनलाइन लास्ट पेमेंट डेट आपको जमा करना है। उसके बाद में ऑफलाइन अगर कीजिएगा तो 24/7 तक है। और जो है इसका एग्ज़ाम होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, और एडमिट कार्ड जो है अगस्त में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अब इसकी बात जानकारी लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल OBC और अदर स्टेट वाले जो है को जो है 1000 रुपया लगेगा, और SC ST वाले को 700 रुपया लगेगा। इसके अलावा आप जो है किस तरह से आप एग्ज़ाम फ़ी को जो है आप दे सकते हैं, तो ये जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है एग्ज़ाम फ़ी दे सकते हैं। ये तो हो गई एग्ज़ाम फ़ी और ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में, और उसकी जो है किस तरह जमा करना है हमें एग्ज़ाम फ़ी उसके बारे में अब जो है आपको हम बता देते हैं। इसका एज लिमिट तो जो है ये जो है मैक्सिमम एज इसका 18 साल है, और मैक्सिमम मिनिमम एज जो है 18 साल है, मैक्सिमम जो है 40 साल है, और एज रिलेक्सेशन एक्स्ट्रा यस पर रूल, आपको जैसे जो रूल है कोटा के अनुसार में एज रिलेक्सेशन मिलेगा, और जो है एज यहाँ से काउंटिंग होगी 1/1/2020 से। नेक्स्ट है, अब है कि कैसे हम फिल कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट 2020 के 20, ये जो है 20 है यानी कि 2020 में निकाला गया है UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट से वैकेंसी। यानी कैंडिडेट कैन बी अप्लाई बिटवीन 1 जुलाई से 22 जुलाई तक आप कर सकते हैं। कुल जो है पोस्ट की बात कर ले तो 608 पोस्ट है। अब इसकी जो है डिटेल से बात कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, इसको अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ से पढ़ पाएंगे कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड SDLDC परिसर निकट मंत्री आवास विद्युत प्रखंड फेज 2 गोमती नगर लखनऊ से उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के अंतर्गत प्रमुख समूह ग के रिक्तियां हेतु सीधे भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा यानी कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, द्वारा टेक्नीशियन विद्युत इलेक्ट्रिकल हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नता है। अब देखिए यहाँ जो है आप देख लीजिएगा कि जो है अनारक्षित के 245 पद है,
अन पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर के 164 पद है, अनुसूचित जाति के 127 पद है और अनुसूचित जनजाति के 12 पद है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग के 60 पद हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इन रिक्तियों के संख्या अनुसार जो है घटते और बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यह जो है इसका पोस्ट जो है बढ़ या घट सकता है, इसका जो भी जिम्मेदारी है यह उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के पास में सुरक्षित है। नेक्स्ट है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आधार कार्ड अथवा विधिमान फोटोयुक्त पहचान पत्र भी होना आवश्यक है। आपके पास में आधार कार्ड हो इसका लिए जो है आवेदन करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आईडी कार्ड होना चाहिए पहचान पत्र। नेक्स्ट है कि विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT एवं एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी, यानी कि अधिक संख्या होगा तो दो चरण में जो है परीक्षा करवाया जाएगा। अब जो है यहाँ पर पूरा आप अपना पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। वेतनमान इसकी बात कर लेते हैं तो 227,200 रुपया है न्यूनतम भत्ते, और जो है इसका ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रिकल, जो कि आप अगर किसी तरह से जो है स्किल आपको प्राप्त है तो वो भी भर सकते हैं। तो ये अपना पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अब जो है इसकी कोटा जो है यहाँ पर देख लीजिएगा कि 5 साल जो आपको छूट मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा कि 5 साल जो आपको छूट मिलेगा। और जो है उत्तर प्रदेश के लिए केवल आप अगर जो है उत्तर प्रदेश से SC ST सर्टिफिकेट क्रिमिलियर आप कीजिएगा तो जो है आपको जो भी कोटा अनुसार है वो छूट मिलेगा, लेकिन बाहरी अभ्यर्थियों को जनरल कोटा में ही रखा जाएगा। तो ये जो है आप पढ़ लीजिएगा, सारी यहाँ पे लिख दिया गया है फ्रेंड्स। आप जो है एक एक करके आप सभी जितने भी नोटिफिकेशन है ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो ये तो फ्रेंड्स बताना था आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही किसी भी स्टेट से रिक्वायरमेंट आती है बिहार उत्तर प्रदेश किसी भी स्टेट से, तो मैं जल्द ही आप लोग को शेयर कर देता हूँ। तो इस पर जो है मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन की घंटी को नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके आपको उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एजुकेशन से भी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।